हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक डोर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही अमेजिंग रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि आप लोग के लिए लाइफ लॉन्ग बहुत ही अमेजिंग करियर बन सकता है। तो चलिए मैं बताती हूँ आप लोगों को कि आप लोग कहाँ पे जॉब कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, और आप लोग इसमें रजिस्टर भी कर सकते हो। उसके बाद आप लोग यहाँ पे जॉब भी कर सकते हैं। गाइस, मैं बात कर रही हूँ विप्रो जैसी बहुत ही बड़ी कंपनी जो है वो आप लोग को रिक्रूटमेंट इस टाइम प्रोवाइड कर रही है। लॉकडाउन के टाइम पे आपको ऑफ कैंपस विप्रो एक रिक्रूटमेंट प्रोवाइड कर रही है। मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। आप लोग इस वीडियो को जरूर पूरा देख लीजिए, पसंद आए जरूर लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को प्लीज शेयर भी कर दीजिएगा, और प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस, आप जैसे देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, ये विप्रो की मेन ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे आप आके देख सकते हैं विप्रो के करियर जो है, विप्रो की लाइफ कैसी है, विप्रो का कैंपस कैसा है, अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, सब कुछ इसमें डिटेल में बताया गया है। तो आप इनकी वेबसाइट पर जरूर जाके एक बार विजिट करिए, विप्रो की बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट है। गाइज, ये वेबसाइट पर लेआउट दिया हुआ है। उसके बाद मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ आप लोगों को अप्लाई कहाँ पे करना है और कौन सा रिक्रूटमेंट है, कौन सी जॉब प्रोफाइल के लिए है। तो गाइज, जो जॉब प्रोफाइल है वो कुछ फुल स्टैक इंजीनियर की है, मतलब फुल स्टैक डेवलपर की है। आप लोग अगर वेबसाइट बनाना चाहते हैं, अगर आप लोग वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, जो कि इंडस्ट्री में बहुत डिमांड है जिनकी, तो आप लोग इसके लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। गाइज, ये फुल स्टैक इंजीनियर की जॉब प्रोफाइल के लिए विप्रो ने इस टाइम पे रिक्रूटमेंट निकाला है। तो मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ कवर करने वाली हूँ, कैसे आप लोग को अप्लाई करना है। प्लीज़ 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 मेक श्योर मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूर शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, रेड बटन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। तो गाइज, मैं बताती हूँ आप लोगों को फुल स्टैक इंजीनियर की आप लोग को यहाँ जॉब प्रोफाइल मिल रही है, जो कि लोकेशन है आप लोग की बैंगलोर। एंड गाइज, जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो आप लोग को इसमें एक्सप्लोर करना है, चैलेंजेस को एक्सप्लोर करना है, कई सारी प्रॉब्लम्स को सल्यूट करना है, आप लोग को बहुत सारे सोल्यूशंस निकालने हैं कई सारे प्रॉब्लम्स के। गाइस, जो चीज़ मेन है उसमें वो है कि आप लोग को HTML CSS स्किल्स जो है वो आनी चाहिए, मॉडर्न फ्रेमवर्क जो है वो भी आने चाहिए, जो सिंगल पेज एप्लीकेशन को बना सकें। उसके बाद कई सारे UX एंड UI के डिज़ाइन है, उनको भी आप लोग को आना चाहिए थोड़ा बहुत समझने का, डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आप लोग को सॉफ्टवेयर की। उसके बाद थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी अगर आपके पास है तो आप लोग ज़रूर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो भी मेन मेन पॉइंट्स है वो मैंने कवर कर दिए हैं, बाकी आप इसमें एक बार आकर रीड कर सकते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में, जो कि बहुत ही अमेजिंग डिफाइन किया गया है। उसके बाद चलिए बात करते हैं कि आप लोग को इसमें अप्लाई कैसे करना है। गाइज, तो अप्लाई करने के लिए आप लोग को यहाँ अप्लाई बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई बटन पर आप क्लिक करेंगे, आपको कुछ इस तरह का लॉगिन का पेज आ जाएगा, जिसमें आपको अपना ईमेल एंटर करना है। गाइज, अपना सही ईमेल एंटर करिए, क्योंकि बाकी जितनी आप लोग की इन्फॉर्मेशन जो फर्दर दी जाएंगी रिगार्डिंग मैसेज या रिगार्डिंग आप लोग का कोई एग्जाम है या कोई कुछ भी होगा, अगर कुछ भी इनकी तरफ से आता है तो आप लोग के मेल पे ही आएगा वो। तो अपना करेक्ट ईमेल एड्रेस डालिएगा इस पर। उसके बाद ईमेल एड्रेस डालने के बाद आप लोग इसमें पढ़ सकते हैं, नीचे आके सब कुछ बताया गया है। फिर आपको नेक्स्ट पे आके क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपकी एक प्रोफाइल बनाई जाएगी, मतलब आपको सब कुछ अपनी डिटेल्स फिलअप करनी है इसमें, जिससे कि वो लोग आप लोग को आगे के लिए फर्दर के लिए रिक्रूट कर पाएँ। तो गाइज, इसमें आपको अपना एक कैंडिडेट प्रोफाइल बनानी चाहिए, आप फेसबुक से, गूगल से, लिंक्डइन से या माइक्रोसॉफ्ट किसी भी चीज़ से आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद क्रिएट करने के बाद आपको अपना जो रेज्यूमे है उसको अपलोड करना है। मेक श्योर गाइज, अपना रेज्यूमे रेडी रखिएगा इस पर, जिस पर आप जिसके में ऑप्शन दिए गए हैं आपके लिए, माई कंप्यूटर, मतलब अपने कंप्यूटर से आप लोग कर सकते हैं, गूगल ड्राइव से कर सकते हैं, ड्रॉप बॉक्स से कर सकते हैं, वन ड्राइव से कर सकते हैं। इन चार ऑप्शन के साथ आप लोग अपना रेज्यूमे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप अपना रिज्यूमे का अपलोड करेंगे, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हैं वो अपने आप ही इसमें फिलअप हो जाएंगी इसमें, तो वो फिर आपको करने की ज़रूरत नहीं होगा। तो आप उसको पहले रिज्यूमे को अपलोड करिएगा, उसके बाद आपको आपका लॉगिन करना है, जिसमें आपको अपना इसमें लॉगिन आई डालना है, पासवर्ड डालना है, जो कि पहले से हो सकता है फिलअप हो सके। अगर आप सही आईडी से फिल करेंगे तो आपका पहले से फिल हो जाएगा इसमें। उसके बाद आपको अपना डालना है सैल्यूटेशन, जो आप मिस हैं, मिस्टर हैं, जो भी हैं आप डालिए इसमें। अपना फर्स्ट नेम डालिए, अपना लास्ट नेम डालिए, अपना ईमेल एड्रेस डालिए, जैसे मैंने डाल दिया अपना ईमेल एड्रेस, तो आप यहाँ पर मैंशन करिए। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर डालिए, कि आपका फ़ोन नंबर होम का है, मोबाइल का है, जो भी आप डालिए। अपना एड्रेस डालिए, सिटी डालिए, स्टेट डालिए, सब कुछ डाल दीजिए इसमें अपना। क्या इसमें बताया गया है, आपने पहले विप्रो में काम किया, तो मैंने कभी नहीं किया विप्रो में काम, मैं नो कर दिया है। अगर आपने कभी किया है तो आपको एक एम्प्लॉय आईडी ज़रूर मिली होगी, उसको मेंशन ज़रूर कर दीजिए। फिर बताया गया है कि आपने इसको कहाँ से हेयर किया है, आपने कहाँ से सुना है इसके बारे में, तो आप लोग को जैसा भी समझ में आया, आपने मेरी वीडियो बेनिफिशियल लगी, यहाँ से देखा है, तो प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा। अगर नहीं किया आपने कहीं और सुना, तो आप लोग वहाँ से कर दीजिए। और इसके बाद इसमें अगर जहाँ से भी आपने किया होगा तो उसके बारे में बताया गया होगा।
उसका आपको सबमिट करना है। जैसे आप इसको सबमिट कर देंगे आपके पास नेक्स्ट पेज आएगा कुछ इस तरह का होगा। आप इसको पढ़ लीजिए कि आप विप्रो में कहाँ पे काम करें, कितने दिन का डेट ऑफ पीरियड है इसमें, कैसे कैसे आपको काम दिया जाएगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी, सब कुछ बताया जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ बताना है येस या नो, उसको कंप्लीट कर दिया। अगर येस होगा तो गाइस आपको यहाँ फिल करना पड़ेगा डिक्लेरेशन, अगर नो होगा तो आप NA/A डाल दीजिए, कोई इशू नहीं है। इसके बाद आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपके पास ये डाइवर्सिटी आएगा जिसमें आपको मेंशन करना है कि आपका रेस क्या है, आपका जेंडर क्या है, डिसेबिलिटी तो नहीं है कोई, तो आप इसमें मेंशन करिए अपना रेस, जेंडर, डिसेबिलिटी सब कुछ मेंशन कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सबमिट पे गाइस क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का पेज आएगा, इसमें लिखा रहेगा मेरी आईडी है, मेरी ओपनिंग, जो इसमें ओपनिंग जो है वो दी गई है। फिर लिखा जाएगा योर एप्लीकेशन वॉज सबमिटेड सक्सेसफुली, थैंक यू फॉर अप्लाइंग, यू आर करेंटली सबमिटेड फॉर टू दिस जॉब। तो आपने इसके लिए जॉब को सबमिट किया हुआ है। आपको जो स्किल्स आनी चाहिए वो मैंने मेंशन कर दिया, आपको HTML मतलब जो बेसिक वेब डेवलपर की स्किल्स होती हैं वो आपको थोड़ी बहुत भी आनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है। कोई बैच डिफाइन नहीं किया गया तो कोई भी इसमें कर सकता है गाइस। विप्रो ने निकाली इसमें कोई भी मेंशन नहीं पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए कि सिर्फ इंजीनियरिंग के हैं, कोई भी बच्चा हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, किसी भी फील्ड का हो, कभी का भी हो, वो अप्लाई कर सकता है क्योंकि इसमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है। आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है, सीधे जाके अप्लाई करना है। और फर्दर डिटेल्स जो है आपके मेल पे आएंगी, तो मेकआउट चेकआउट करते रहेगा अपना मेल कि आप लोग को मेल पे आए सारी इन्फॉर्मेशन, आप लोग अप्लाई कर पाएँ इसकी फर्दर राउंड्स के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर आगे शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।